ज़्यादा डिमांड के बाद आज मैं आपके लेके आ चुकी हूँ एक ऐसा फ्लैट जिसमें आपको हर वॉल पे मिलेगा यूनिक डिज़ाइन। बिल्कुल सही सुना आपने, हर वॉल पे आपको मिल जाता है यूनिक डिज़ाइन, साथ ही साथ आपको मिलता है सेपरेट डाइनिंग एरिया, सेपरेट मंदिर, फुल प्राइवेसी एंड साथ ही साथ ये जो फ्लैट आपको मिलता है वो मिलता है आपको मेट्रो स्टेशन के एग्जैक्टली बैक साइड पे। बिल्कुल सही सुना आपने, मतलब इतना क्लोज आपको मेट्रो स्टेशन के मिल जाता है कि आप लोग प्रॉपरली वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो इतना लग्जूरियस है फ्लैट मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ, आप देख के हैरान होने वाले, बिकॉज इसका प्राइस भी आपको बहुत ही अच्छे दामों में ये मिलने वाला है आपको ये फ्लैट। तो चलते हैं हमारे फ्लैट का, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम खड़े हैं हमारे लिविंग एरिया में। प्लस लिविंग एरिया में जब हम एंटर करेंगे, एंटर करते हैं आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल है वो प्रॉपरली काफ़ी ज़्यादा एकदम यूनिक डिज़ाइन के साथ बनाई गई है। आपको यहाँ मिल जाता है कॉपर ग्लास का इंटीरियर, साथ ही साथ पीछे वॉलपेपर और यहाँ पे वुडन वर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रहा है और काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। प्लस यहाँ पे आपको जो बोर्ड मिलता है वो मिलता है आपको ब्रांडेड बोर्ड, जिसमें आपको 1-2 ईयर की वारंटी एंड गारंटी मिलती है। एंड इस साइड पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर पोर्ट्रेट वाला फील आपको मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत सी सीनरी मिल जाती है। प्लस साइड में आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा वाइट एंड ग्रे कलर का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है। प्लस नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सोफा डाला हुआ है, बीच में हमारी सेंटर टेबल है, उसके बाद भी कितना स्पेशियस ये फ्लैट है। एंड इस साइड में जब आप लोग देखेंगे सामने, एग्जैक्टली सामने आपको मिल जाता है आपका टीवी कैबिनेट। बिल्कुल सही सुना आपने, टीवी कैबिनेट जिसमें आप काफ़ी बड़ा टीवी लगा सकते हैं, और साथ में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना प्यारा डिज़ाइन इसमें मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर आपको फ्रेम लाइट्स के साथ मिलता है, नीचे की साइड पे आपको स्टोर करने के लिए स्पेस मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली यहाँ पे आपकी जो वायरिंग है वो मिल जाती है, यानी आप टीवी जो लगाएंगे उसके लिए आपको वायरिंग यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग हमारे पूरा का पूरा लिविंग एरिया लग रहा है। उसके बाद हम फॉल सीलिंग पर जब नज़र डालेंगे तो फॉल सीलिंग भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा सा शैंडलियर मिल जाता है, लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको आपके फैंस मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली आपको लाइटिंग्स मिल जाती है, फ्रेम लाइट्स मिल जाते हैं। इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं आपको काफ़ी प्यारी और काफ़ी खूबसूरत आपको वॉच मिल जाती है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। प्लस यह आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, सेपरेट डाइनिंग एरिया, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि कितना मतलब एकदम फिनिशिंग के साथ सारा वर्क यहाँ पे किया गया है, कि आपको देखते ही लग रहा है कितना ज़्यादा अमेजिंग है। यानी आप जब यहाँ पे अपने डाइनिंग एरिया पे बैठ के खाना खाएंगे आपको प्रॉपरली एकदम रॉयल फील आने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस डाइनिंग एरिया पे अपना डिनर करेंगे, अपना लंच करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और इस साइड आप देख सकते हैं आपको प्रॉपरली कुशन वर्क मिल जाता है विद द इंटीरियर ग्लास वर्क। ये देखिए आपको इंटीरियर ग्लास वर्क मिल जाता है, फ्रेम लाइट्स मिल जाते हैं, ऊपर आपको वुडन वर्क भी मिल जाता है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको मिल जाता है ये खूबसूरत सा सेपरेट मंदिर, तो मंदिर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली पीछे ग्लास वर्क हो रखा है, आपको काफ़ी अच्छी लाइटिंग के साथ मिल जाता है, और बहुत ही सारा इसमें प्यारा सा वर्क हो रखा है विद अ वेरी गुड फिनिशिंग। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है अपना सामान शो करने के लिए, प्रॉपरली आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वॉशरूम, आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है जिसका आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग स्पेस है। प्रॉपरली टाइल वर्क इसमें मिल जाता है, आपको वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिल जाती है, जितने सैनिटरी आइटम्स आपको मिलते हैं वो सारे के सारे आपको विद वारंटी एंड विद गारंटी मिलते हैं। इस साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। जब अपने फर्स्ट बेडरूम में एंटर करेंगे तो एंटर करते हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपको प्रॉपर कुशन वर्क मिल जाता है विद द इंटीरियर ग्लास वर्क, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर बेड डाला हुआ है, उसके बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। इस साइड पे आपको मिल जाता है आपका प्रॉपर पोर्ट्रेट रूम, यहाँ पे आप अपना फ्रेम लगाएंगे, एक्सपोजिट कुछ भी लगाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक देने वाला है, बिकॉज इसका बैकग्राउंड ही इतना अमेजिंग है कि आप कुछ भी लगाएंगे बहुत ही प्यारा लुक देगा। उसी के साथ बात करते हैं वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर विंडो मिल जाती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसको हम ओपन करेंगे तो प्रॉपरली आपके
वेंटिलेशन आपके रूम में आएगी, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें एसी की, जो आपकी एमिनिटीज़ है, तो एसी के लिए आपको मिल जाता है आपका विंडो एसी का स्पेस, जिसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है आपकी स्विच। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम है, स्टडी करने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आपको प्रॉपरली स्टडी टेबल मिल जाता है, ऊपर सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, एंड यहाँ साइड में कैबिनेट्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। तो आपको देख सकते हैं प्रॉपरली आपको यहाँ पर सामान रखने के लिए भी स्पेस मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ की फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, एंड साथ ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक दे रही है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें आपको मतलब कि कितने फिनिशिंग के साथ और कितना ही ज़्यादा ये आपको हाईलाइट करता है आपकी फॉल सीलिंग को भी। एंड इस साइड पर आपको काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन दे दिया जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे फ्रेम दिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक दे रहे हैं। मतलब लग्जीरियस में भी आपको सिंपल डिसेंट डिज़ाइन मिलता है, जो कि आपको बिल्कुल सिंपल डिसेंट नहीं लग रहा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रहा है। तो फर्स्ट बेडरूम आप हमेशा देख ही चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अगेन हमारे लिविंग एरिया पे। तो लिविंग एरिया से निकल के आप जैसे कि हमेशा यहाँ पे कॉमन वॉशरूम देख सकते हैं, एंड यहाँ पे हम आ जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन। तो चलते हैं हमारे मॉड्यूलर किचन की ओर। तो मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज में आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाता है, यानी ये जो आपका 3 BHK में आपको 4 BHK वाला मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। इसमें आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है। फर्दर वेंटिलेशन पर्पस आपको मिल जाती है यहाँ पे विंडो, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको जितने कैबिनेट्स मिलते हैं, जितने कबर्ड्स मिलते हैं, वो आपके सारे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ और बहुत ही स्पेशियस कबर्ड्स मिलते हैं। डोर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइन में बनाए गए हैं विद अ क्वालिटी वर्क, एंड ऊपर आपको प्रॉपर फ्रेम लाइट्स मिल जाती है। प्लस इस साइड पर जब हम लोग आएंगे तो इस साइड पर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक दिया हुआ है यहाँ पे। एंड हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको काफ़ी अच्छा सेल्फ स्लैब मिल जाता है, जिसमें आप अपना सामान जो रखेंगे या फिर अपना गैस स्टोव जो रखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। प्लस इस साइड पे आपको प्रॉपरली स्विच मिल जाते हैं आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है उनको यूज़ करने के लिए। ऊपर आपको काफ़ी अच्छा लैम्प मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है हमारी किचन को। एंड नीचे बात करें यूटेंसिल बास्केट्स की, तो यूटेंसिल बास्केट आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाती है आपकी यहाँ पे यूटेंसिल बास्केट्स। एंड बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपना यहाँ पे सेपरेट स्पेस मिलता है आपके किचन में भी, रेफ्रिजरेटर के लिए सेपरेट स्पेस मिलता है, इसके लिए सेपरेट स्विच भी मिलता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलती है आपकी पैंट्री, जो कि काफ़ी प्यारा और काफ़ी अमेजिंग लुक दे रही है, जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपरली काफ़ी ज़्यादा इसमें आप सामान भी रखेंगे तो वो बहुत ही खिल के नज़र आएगा, बिल्कुल भी आपका ऐसे नहीं लगेगा कि अनऑर्गेनाइज है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आप मेरे साथ मॉड्यूलर किचन प्रॉपरली देख ही चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मॉड्यूलर किचन आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की। तो सेकंड बेडरूम में जब हम लोग एंटर करेंगे तो एंटर करते मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी अलमीरा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है और डिज़ाइन तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका बेड, जिसमें अभी फिलहाल गद्दा नहीं डला हुआ, बट विद टाइम आपको जब आप फुली फर्निश्ड फ्लैट लेंगे तो यहाँ पे आपको गद्दा एवरीथिंग आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड बैकग्राउंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है ये बहुत ही खूबसूरत सा कुशन वर्क विद द इंटीरियर ग्लास। एंड इस साइड पर आपको मिल जाती है आपकी ड्रेसिंग टेबल, जो बैक साइड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। फ्रेम लाइट्स मिल जाती है, विंडो आपको जो यहाँ पे आपको मिरर मिलता है वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको मिल जाता है। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। इस वॉल पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली फ्रेम वर्क मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ मिल जाता है आपको अपना अटैच पर्सनल वॉशरूम, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ में और प्रॉपरली आपको टाइल वर्क के साथ मिलता है। साथ ही साथ जितने साइटर आइटम्स हैं वो सारे विद वारंटी एंड विद गारंटी मिलते हैं। अगर बात करें हम वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर भी विंडो मिल जाती है। तो विंडो आप लोग देख ही सकते हैं, इस विंडो को हम खोलेंगे तो प्रॉपरली सारे के सारे वेदर जो सनलाइट है वो प्रॉपरली डायरेक्टली आपके रूम में आएगा। एंड विंडो ए सी के लिए आपको स्पेस मिल जाता है विद द आपका सेपरेट स्विच। एंड बात करें अगेन स्टडी की या फिर वर्क फ्रॉम होम की, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली टेबल मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको स्विचेस भी मिल जाते हैं सेपरेट। यहाँ पे आपको टीवी कैबिनेट मिल जाता है, अपना पर्सनल टीवी कैबिनेट जिसमें आप अपना टीवी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल जाता है आपका स्विच बोर्ड, जिसमें आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन में इसको भी बनाया गया है, यानी जितने भी आपके स्विच बोर्ड से इवन बहुत ही माइनर सी थिंग्स हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है कि आपकी बेसिक एमिनिटीज़ भी पूरी हो। एंड साथ ही साथ हम बात करें अगर फॉल सीलिंग
की तो फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में आपको मिल जाती है आपकी फॉल सीलिंग विद द फ्रेम लाइट्स एंड विद अ वेरी ब्यूटीफुल फैन जो कि आपको मिल जाता है विद वन ईयर वारंटी एंड गारंटी। बिल्कुल सही सुना आपने, वन ईयर की वारंटी एंड गारंटी के साथ मिलता है। जितने आपके सैनिटरी आइटम्स हैं, जितने आपके इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है, वो सारे के सारे विद वारंटी एंड गारंटी मिलते हैं। इसी के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ से निकले हैं, हमारे लिविंग एरिया में आ चुके हैं, हम यहाँ मॉड्यूलर किचन में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। तो चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की ओर। तो थर्ड बेडरूम की ओर जब हम आ चुके हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं कि काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाता है आपका थर्ड बेडरूम। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं, टैन एंड नेवी ब्लू कलर में आपको मिल जाता है आपका कुशन वर्क, आपका बैकग्राउंड विद द इंटीरियर ग्लास वर्क जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका बेड। बेड के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। इस साइड पर आपको आपको प्रॉपरली ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है विद द फ्रेम लाइट्स एंड साथ में आपको स्पेस भी मिल जाता है अपना सामान या फिर आप अपना जितना भी आपका स्किन केयर है, परफ्यूम्स हैं, जितना आपका कॉस्मेटिक का सामान है वो सारा आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ नीचे भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं अपना सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारा हमारा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा हमने यहाँ पे फ्रेम लगा रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है। इस साइड पे आ जाता है आपका टीवी कैबिनेट, ऊपर आप लोग देख सकते हैं आपके शोपीस के लिए भी काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे वर्क किया हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली फ्रेम लाइट्स यहाँ पे लगी हुई है जो कि आप जो भी शोपीस रखेंगे उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करेगी। एंड इसी के साथ हम बात करें हमारे फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रही है क्योंकि साथ में आपको आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली आपको फ्रेम लाइट्स मिल जाती है, बीच में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है एंड यहाँ पर मिल जाता है आपका फ़ैन जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रहा है। एंड अगर हम बात करें अलमीरा की, तो यहाँ पर आपको अलमीरा मिल जाती है जो कि मिलती है आपको स्लाइडिंग डोर अलमीरा विच इज़ अ स्पेस सेवर, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्पेस सेवर मिल जाता है हमारे रूम के लिए क्योंकि इसमें आपके डोर्स खुलते नहीं है, वो एक स्लाइड होते हैं, दैट्स इट। एंड आपके पास आपकी प्रॉपर आपको क्लोजेट आ जाता है, प्रॉपर आपकी अलमीरा आ जाती है जिसमें आपको यहाँ पे रॉड मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। एंड नीचे की साइड पे आपको प्रॉपरली ड्रॉअर मिलता है विद द लॉक्स जिसमें आपको प्रॉपरली आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कैश, आपकी ज्वेलरीज है, वो सब आप स्टोर कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपको कवर्स मिल जाते हैं, आपके क्विल्स या फिर आपके जितने भी विंटर क्लोथ्स हैं वो सारे के सारे आप ऊपर स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम आ जाते हैं वेंटिलेशन की, जब हम बात करेंगे तो वेंटिलेशन के लिए हम आ जाते हैं हमारी विंडो के पास जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको वेंटिलेट करेगी, आपका प्रॉपर जितना भी फ्लोर है वो सारा का सारा आपको वेंटिलेटर मिलेगा। जैसे मैंने आपको हर रूम में दिखाई है, हर रूम में आपको विंडो मिल जाती है एंड विंडो एसी का स्पेस भी मिल जाता है विद अ सेपरेट स्विच। एंड अब हम आ चुके हैं हमारे राज के दरवाजे के पीछे, लेकिन इससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको हमारे फ्लैट के फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, प्रॉपरली मार्बल वर्क में आपको फ्लोरिंग मिल जाती है और सेम फ्लोरिंग आपको प्रॉपर पूरे फ्लैट में मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रही है। तो अब चलते हैं हमारे राज दरवाजे को खोल के हमारी बालकनी की ओर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं हमारी बालकनी में, और बालकनी में काफ़ी ज़्यादा आपको लेंथ मिल जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वेथ मिल जाती है। तो वेथ में सबसे पहले जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो दिखा दूँ कि आपको प्रॉपर वॉशिंग एरिया मिलता है, यहाँ पे आपको स्विच मिलता है, यहाँ टैप मिल जाता है, नीचे मिल जाता है आपको ड्रेनेज एरिया, प्रॉपरली आपका स्पेस यहाँ मिल जाता है आपके वॉशिंग एरिया के लिए। उसके बाद जितना आपका स्पेस है वो सारा आपका सेटिंग एरिया के लिए मिल जाता है। अगर इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं आपको प्रॉपरली सीलिंग लाइट्स मिलती है, यानी आप यहाँ पे भी जो आप शाम को बैठेंगे तो आप अंधेरे में नहीं बैठेंगे, आप एक बहुत ही अच्छे उजाले में बैठेंगे। प्लस यहाँ पे आप ग्रिल वर्क देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे ग्रिल वर्क आपको मिल जाता है। तो आप जैसे कि जैसे पूरा को पूरा फ्लैट विजिट कर चुके हैं, टूर कर चुके हैं, तो हम चलते हैं इसकी डिटेल्स की। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि जो हमारा एक खूबसूरत सा फ्लैट है वो प्रॉपर आपका 110 गज का फ्लैट है, यानी जो लग्जीरियस सा इतना प्यारा सा फ्लैट है आपका 110 गज का फ्लैट है, नियर बाय उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है एंड बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे, यानी 59 लाख में। बिल्कुल सही सुना आपने, 59 लाख में आपको ये पूरा का पूरा फ्लैट मिलता है जो कि इतना ज़्यादा अमेजिंगली डिज़ाइन किया गया है। एंड आपको करना क्या है, आपने अगर आपको लोन की टेंशन हो रही है तो आपने हमारी टीम यानी कालवे बिल्डर की टीम को कॉन्टैक्ट करना, बिकॉज हमारी टीम बैठी है सिर्फ आपके लिए, आपके लोन करवा के देगी, अप टू 90% का आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप फटाफट से जाइए, नीचे के नंबर्स पर कॉल करिए, एड्रेस पर विजिट करिए, वेरीफाई करने के लिए आप इन साइट्स पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस में अपनी क्वेरीज को कमेंट करिए एंड इस खूबसूरत से फ्लैट को अपना बनाइए। एंड दिस इज मी कमोलिका फ्रॉम कार्वे बिल्डर्स एवरीवन। Oh, 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 o